आज देश भर में ईद अल अजहा या बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां जोरों पर थी। बकरीद के त्यौहार को कुर्बानी के रूप में भी याद किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आता है। वहीं यूपी सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। उलेमाओं ने भी लोगों से प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। ईद की खास नमाज को लेकर जारी गाइडलाइन के भी पालन की अपील की गई है। सवाल हमारे देश का है और एक कोरोना का भी है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जो है जारी किया है उस पर जो है अमल करें, उसका पालन करें, क्योंकि मुसलमान जो है वो देश का कानून जो है माने और 100% माने, उस पर कोई लापरवाही ना करें। नमाज के बाद लोग जो है एक दूसरे से गले भी ना मिलें, हाथ भी ना मिलावें। लोग अपने दिलों में याद रखें और दिलों से जो है लोग मोहब्बत करें, जो मोहब्बत दूर से भी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि लोग हाथ मिलावें गले मिलें। उधर आजमगढ़ में भी सुबह सुबह नमाज अता कर बकरीद मनाई गई। इसके बाद अब कुर्बानी का दौर शुरू हुआ है जो देर रात तक चलेगा। आपको बता दें कि ये त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, लिहाजा तीनों दिनों तक कुर्बानी कराए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए वही ना, और इस पर चर्चा के लिए मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन बताइएगा, त्योहार किस तरह मनाया जा रहा है और कोविड गाइडलाइंस का पालन इस दौरान किस तरह किया जा रहा है? त्याग और बलिदान का जो पर्व है ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, वो पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर तमाम जगहों पर नमाज अदा की जा रही है। चूंकि इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा सादगी के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। कोई जश्न नहीं हो रहा है, लोग सादगी के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। चूंकि इस बार मस्जिदों में 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, इसलिए ज़्यादातर अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो ज़्यादातर लोग घरों पर ही इसी तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चक इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं सिर्फ वही लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर, मस्जिदों में नहीं गए हैं लोग। और नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मुल्क में अमन चैन रहने की दुआ की जा रही है। और खास बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं और हम कुछ लोगों से यहाँ जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज के खास मौके पर क्या खास तौर पर दुआ कर रहे हैं आप? हम लोग जो है पूरे अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, आजाजी ईद बकरीद के त्यौहार पे यही चाह रहे हैं जो है अमन शांति हो, और जो हमारे देश में प्रदेश में कोरोना से जितने लोग मरे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, हिंदू मुसलमान जितने लोग हमारे मरे हुए हैं उनके हिंदू मुस्लिम के शांति के लिए, जो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। बताइए, कभी आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से सादगी के साथ नमाज अदा करनी पड़ेगी? कोर त्यौहार है जो है, लेकिन फिर भी सादगी के साथ मनाना पड़ेगा। जी, ये बकरा ईद ईज़ुल अज़हा का त्यौहार, इस मौके पर मैं तमाम देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के एक नबी हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने अपने बेटे की कुर्बानी मांगी, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। वहीं से ये परम्परा शुरू हुई कि कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। आज चूँकि हालात ऐसे हैं, कोरोना का पीरियड है, बिल्कुल हालात के मद्देनज़र इस तरीके से सादगी के साथ त्यौहार मनाना पड़ रहा है। बताइए, आप लोग गले भी नहीं मिलेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे? ये अब की इस कोरोना महामारी में हम लोग गले भी नहीं मिल रहे हैं, हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, दूरी से लोगों से सलाम कर रहे हैं। और आज ईद उल जुहा पर जो हम लोगों ने ईद उल जुहा की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में ये दुआ किया कि हमारा देश के अंदर अमन अमान शांति भाईचारा बना रहे और मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ किया गया है। आप आगे आ जाइए और आप बताइए कि ये बच्चे तो बड़ा खुश रहते हैं, बच्चे थोड़ा मायूस से आज नज़र आ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को समझा रहे हैं कि जी आप लोग ये कोरोना का मतलब पालन करें और ईद मतलब सादगी से मनाएं और दूर से मनाएं, हाथ भी नहीं मिलाएं, गले भी नहीं मिले। इसलिए बेटा आप बताइए कि त्यौहार तो सादगी से मना रहे हैं, लेकिन ईदी मिली कि नहीं घर वालों से? नहीं, अभी नमाज पढ़ने के बाद मिलेगी। तो
आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो है वो खुश हैं, हालांकि कोरोना की वजह से जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन बच्चों को उम्मीद है कि सादगी के साथ नमाज भले ही हो गई लेकिन नमाज के बाद उन्हें ईदी मिलेगी, वो बाहर जाकर थोड़ी बहुत खरीदारी भी करेंगे, खिलौने खरीदेंगे, अपने दोस्तों के साथ मिल करके जो त्यौहार की खुशियाँ हैं उसे आपस में बांटेंगे, सादगी के साथ त्यौहार मनाएंगे, इस बात का संकल्प यहाँ पर लोगों ने लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया मोइन। तो आपने विस्तार से सभी लोगों से चर्चा की और सादगी के साथ सभी त्योहार को मना रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए।